हर हर महादेव। मैं आज आपको कुछ ऐसा बता रही हूँ जो मैं खुद करती रहती हूँ, और सॉरी फॉर द मेस अराउंड मी। ये मेरे घर में उगा हुआ ऑर्गेनिक रोजमेरी है। आप देख सकते हैं इसका कलर और इसका अरोमा इज फ्रेश एंड इट्स वेरी क्रिस्पी, क्योंकि ये नेचुरली सुखाया गया है। और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको धूप, घर में जो प्यूरिफिकेशन के लिए धूप होती है, वो बनाना सिखा रही हूँ इन सब चार पांच चीज़ों से। मेरे पास है सूखा हुआ नारियल का गोला, छोटा सा पीस लिया है मैंने। घर में उगा हुआ सेज सुखाया हुआ, घर में उगी हुई रोजमेरी सुखाई हुई, और जंगल से मैं पेड़ की छाल लेकर आई हूँ, देवदार के पेड़ की छाल है ये। और मेरे पास है बेठर यानी कि जुनिपर लीव्स। अब आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप अपने पास मोर्टर पेसल में कर सकते हैं, और अगर आप जल्दबाजी में हैं जैसे मैं, मोस्टली मैं मोर्टर पेसल में हाथ से पीसना पसंद करती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास समय नहीं है तो मैं, ये मुझे गिफ्ट मिला था फ्रॉम वन ऑफ माई फॉलोअर्स एंड हमारे आश्रम के सचिव जो हैं उनकी वाइफ ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैं ये यूज कर रही हूं। मैं इसमें थोड़ा सा, क्योंकि मैं, मुझे जल्दी बताना है आपको, तो मैं नारियल डालूंगी, थोड़ा सा बेठर इसमें डाल रही हूँ, ये सब इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल के, पेड़ की छाल हो सकता है थोड़ी सी सख्त हो तो आपको उसको ठीक से तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे टुकड़ों में। ये नारियल मैं इसमें डाल रही हूँ, ये नारियल को इसमें डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू आपके घर में आएगी। बाद में लास्ट में आप इसमें भीमसेनी कपूर का चूर्ण मिक्स कर सकते हैं थोड़ा सा, फॉर फ्रेश अरोमा। और इसके साथ में मैं इसमें ये जितने भी मेरे सब सेज, जुनिपर लीव्स एंड रोजमेरी सब डाल दिया है, नारियल डाल दिया है। छाल का मैं छोटा छोटा टुकड़ा करूंगी। छाल को आप अलग से भी पीस सकते हैं ताकि आपका जो मिक्सर है वो खराब ना हो। तो मैं इसमें सॉफ्ट वाला हिस्सा ले रही हूँ एकदम जस्ट फॉर डेमो, बाद में मैं इसको अलग से पीसूंगी। मेरे पास रखा भी हुआ है इसका पाउडर, अलग से रखा हुआ है। तो अब मैं इसमें, ये मैं फर्स्ट टाइम इसमें हर्ब्स जो है इसमें फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। सब्जी वब्जी तो मैं ट्राई कर चुकी हूँ इसमें। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। ओके, इसको जोर लगाना पड़ेगा। यस, इट्स हैपनिंग। तो मैं इसको अभी साइड में रखती हूँ। ये वुडन मेरा बोल है, आई प्रेफर नेचुरल चीजें, बहुत फैंसी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं होती। अब जैसे इसमें ये रेडी हो रहा है, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें छाल भी है, और आप ये देख रहे हैं कि इसमें ये प्रिपेयर हो रहा है, नारियल भी इसमें कसा जा रहा है। इस तरह से जब ये रेडी हो जाए तो आप इसे बाहर निकाल सकते हैं अच्छे से। जब ये फाइन पाउडर, या तो आप फाइन पाउडर बना सकते हैं या फिर आप यू नो दरदरा पीस सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा धूप बनाना है। अभी इसमें नारियल के टुकड़े मैं अलग से पीस के देखती हूँ अगर ये ठीक से पिसते हैं इसमें, तो नहीं तो नारियल को मैं दूसरे मिक्सर में पीसूंगी, इलेक्ट्रॉनिक में। ये हैंडी मिक्सर है, मैंने सोचा ट्राई करते हैं, तो ट्राई करती हूँ अगर ये होता है इसमें तो। ये इसमें नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि ये बारीक पिसाई के लिए नहीं है। तो ये बारीक पिसाई के लिए नहीं है, इसमें आप सिर्फ मोटी पिसाई कर सकते हैं किसी चीज की। तो अब चारकोल डिस्क आपको चाहिए या गोबर का कंडा चाहिए, उसको गर्म करके
आप किसी भी फायर प्रूफ डिश में, अब इसे हिमाचल में धड़च कहते हैं, तो इसमें कपूर या चावल रखते हैं और इसमें जो है धुआं लगाया जाता है। तो ये लोहे की बनी हुई है, ऐसा ही कोई आप फायर प्रूफ डिश ले सकते हैं और उसके अंदर आप ये धुना घर के अंदर दे सकते हैं मंगलवार शनिवार गुरुवार को। बाकी जब आप देना चाहें प्यूरिफिकेशन के लिए आप ये कभी भी कर सकते हैं। अभी मैं भी दूंगी, मेरा चारकोल मुझे जलाना पड़ेगा, तो आप ट्राई करें। आप इसमें और इंग्रेडिएंट्स भी मिक्स कर सकते हैं, बट मुझे लगता है ये 5 का कॉम्बो इज वेरी गुड। थैंक यू सो मच, फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको ये जला करके कैसा लगा। हर हर महादेव, जय भवानी, जय खंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र।